नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करें और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए आज हम इस पे डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने जो है ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। इसको 8 साल हो गए इसको बनाए हुए और ये एक पक्की यूनिट है। तो हम बात करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करें। सबसे पहले हम गोबर, गाय का, भैंस का, बकरी का, मेमनी, भेड़ की मेमनी, उनका यूज कर सकते हैं। घोड़ी की लीद का, ऊँट की लीद का, इनका यूज कर सकते हैं। उसे हम इस प्रकार की कुंडियों में डालें। डालने के बाद लगभग 1 महीने तक उसमें पानी भरते रहे, जिससे कि उसके अंदर की गर्मी जो है वो निकल जाए। 1 महीने के बाद उसकी पलटाई करें कुछ इस प्रकार के यंत्र से। पलटाई करने के बाद उसमें पत्तियां, हो सके तो पौधों की पत्तियां मिलाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पत्तियां मिलाई हुई हैं, जामुन की पत्तियां हैं, अमरूद की पत्तियां हैं। इससे क्या है कि केंचुए काफ़ी जल्दी सर्वाइव करते हैं और काफ़ी जल्दी से खाद बनकर तैयार हो जाती है। इस खाद के क्या फ़ायदे हैं? वर्मी कंपोस्ट एक अपने आप में एक संपूर्ण खाद है। इस खाद को यूज कर हम फसल की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं और अपने खेत की, फार्म की जो उपजाऊता है वो काफ़ी बढ़ा सकते हैं। इससे हमारी जो मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। इसमें कोई नुकसान नहीं किसी भी प्रकार का, ज़्यादा डल जाए, कम डल जाए, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। जैसा कि जो हमारे केमिकल वाले फर्टिलाइज़र हैं उनको ज़्यादा डाल दिया तो हमारी फसल तबाह हो जाती है, ऐसा इस खाद का कोई वो नहीं है। ज़्यादा डलेगा अच्छा रहेगा। तो इस खाद को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो हम कैसे इसको तैयार कर रहे हैं ये देखिए। हमने सबसे पहले कुछ इस प्रकार से एक बेड में गोबर को डाला है। ये 1 महीने का हो गया है ये वाला, और अब हम इसमें केंचुए डालेंगे। इसको 2 महीने हो गए, ये देखिए इसके 2 महीने हो गए। मैं आपको केंचुए दिखाता हूँ। इसमें ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के केंचुए हैं, लाल रंग के। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं केंचुए लाल रंग के हैं। ये लगभग 3 महीने में हमारे गोबर को खाद में तब्दील कर देते हैं। ये देखिए कितने सारे हैं। ये जमीन वाले केंचुए नहीं है। तो अगर आप कभी भी इस यूनिट को बनाएं तो इन्हीं केंचुओं का उपयोग करें। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारी यूनिट है, ये वाली हमारी बेड जो है ये लगभग 3 महीने की होगी और इसमें कंपोस्ट जो है बनकर तैयार है। ये देखें केंचुए, आप ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ये हमारा खाद जो है बिल्कुल बनकर तैयार है, हम इसे यूज कर सकते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये चाय की पत्ती की तरह हो गया है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई गंध नहीं है किसी भी प्रकार की। तो ये बनकर रेडी है यूज करने के लिए। तो आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो इस प्रकार की पक्की यूनिट नहीं बना सकते वो और दूसरे तरीके से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये ज़मीन पे तैयार की हुई वर्मी कंपोस्ट है। ज़मीन पे, समतल ज़मीन पे नालियाँ बनाई गई हैं, लगभग 2 फीट चौड़ी और 1 फीट गहरी नालियाँ बनाई हैं। फिर पॉलीथीन सीट उन नालियों के ऊपर ढक दी है। फिर उसमें उसी प्रकार गोबर यूज किया है जैसे हमने अपनी उसमें बेडों में किया है, और पत्तियों का यूज़ किया है। फिर उसमें केंचुए छोड़ दिए। तो इसे भी देखते हैं हम इसमें केंचुए कैसे सरवाइव कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसमें भी बनकर बिल्कुल तैयार है, बल्कि इसमें और कम समय लगा है। इसमें 2.5 महीने में ही ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप इस प्रकार से भी वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। मैं इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ, ये देखिए क्वालिटी बिल्कुल चाय की पत्ती जैसा। तो हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं अपने खेतों में, फार्म पे, ऑर्गेनिक तौर पे। तो मैं आप सभी भाई लोगों से अनुरोध करूँगा कि इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र हैं उनको कम से कम यूज़ करें, ऑर्गेनिक खाद अपने फार्म पर, घर पर तैयार करें। और एक चीज़ बताना भूल गया कि इसके जो वेस्ट है वो इस प्रकार से नाली बनाकर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, जैसे कि ये क्या हुआ है। इस वेस्ट को हम फॉलियर स्प्रे के द्वारा, ड्रेंचिंग के द्वारा खेतों में अपनी फसल को दे सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। और घर में भी लोग बाग वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। गमले में थोड़ा सा गोबर लेकर, गोबर नहीं है तो फल सब्जियों के छिलके पत्ते डालकर, थोड़े से केंचुए डालकर उसमें नमी बनाए रखें, गीले कपड़े से, सूती कपड़े से ढककर रखें, छांव में रखें, तो लगभग महीने भर में ही वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। गमले वाले पौधों में हम उस खाद को दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।